हेलो गाइस, टेक्स्ट नील में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे अपने मोबाइल पर लॉक स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। मेरे कहने का यह मतलब हुआ कि हम अपने मोबाइल को जैसे हमने लॉक कर दिया, ऐसे लॉक कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर कोई लाइट नहीं जग रही है, कोई टाइम नहीं दिखाई दे रहा है। और गाइस, यह जो फीचर है ये बहुत सारे मोबाइल में काम करता है, वन प्लस के मोबाइल में काम करता है, MI के मोबाइल में काम करता है, उन्हें अपना मोबाइल के अंदर ये फीचर दिया हुआ है। जैसे रियलमी हो गया, व्यू हो गया, ओप्पो हो गया, इनके मोबाइल के अंदर ये फीचर नहीं दिया गया है कंपनी के द्वारा। तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि हम कैसे अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन पर अपने क्लॉक को सेट कर सकते हैं, अलग अलग तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो गाइस, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, कर लेने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सिंपली ओपन करने के बाद ये एप्लीकेशन कुछ परमिशन मांगेगी, तो आपको इसे अलाउ कर देना है। जैसे मैं यहाँ से अलाउ कर दे रहा हूँ और यहाँ से अलाउ कर दे रहा हूँ, कुछ चार पांच परमिशन मांगेगी, तो आपको अलाउ कर देना है इनको। और यहाँ से अलाउ कर देता हूँ, कुछ जो स्टेप है स्टेप बाई स्टेप इसे मैं अलाउ कर देता हूँ। और मैंने यहाँ से अलाउ कर दिया है और यहाँ से आगे बाहर ये हमारी एप्लीकेशन एक्टिव हो गई। गाइस, इस एप्लीकेशन का काम ये होगा कि जब आप अपने मोबाइल को लॉक स्क्रीन मोड पर रखे हो, जैसे मैंने रख दिया है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये टाइम शो कर रहा है। देखिए गाइस, ध्यान से देखिए, ये आपके मोबाइल में टाइम शो नहीं कर रहा है क्योंकि आपके मोबाइल में ये फीचर नहीं है। तो ये मैं और गाइस, इसको आप अलग अलग तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो उसके बाद आपको सबसे पहले सामने पाँच आइकन दिए गए हैं, इन सभी के बारे में आपको बता दूंगा। पहला हमारा आइकन है, उसका नाम है कस्ट स्टिकर, दूसरा है वो फेस, तीसरा है बैकग्राउंड, चौथा है फॉन्ट स्टाइलिश और पांचवा है डे स्टाइलिश। आपको क्या करना है, सबसे पहले वो फेस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो भी आपको पसंद हो वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको बहुत सारी मिलती हैं, अलग अलग तरह की मिलती हैं, सब एक्टिव है, सब अच्छी तरह से काम करेगी। वैसे कोई भी एक पसंद हो आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे इस पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से करता हूँ सेट स्टाइलिश कर देता हूँ। और दूसरा हमारा ऑप्शन है बैकग्राउंड, इस पर आप क्लिक करता हूँ तो इसमें बहुत सारी बैकग्राउंड मिलती है, सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। जैसे मैंने ये कर लिया है दो नंबर और यहाँ से कर देता हूँ ओके। तीसरा हमारा फॉन्ट स्टाइलिश, अपने यहाँ से अलग अलग तरह से फॉन्ट सेट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ से कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ और हमारा ये हो गया पांचवा नंबर हमारा है ये क्लॉक। इसमें आप ये मैं इसे इस पर करता हूँ और यहाँ से करता हूँ सेट, ये हमारा सेट हो गया। इसके बाद आपको आना है सर्विस में आना है, सर्विस आने के बाद यहाँ से आपको अनेबल कर देना है। आपको डिसेबल होगा जैसे आपको अनेबल कर देना है। और दो नंबर आपका है फिंगरप्रिंट अनलॉक, आपका जो बैक साइड फिंगरप्रिंट हो या अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हो, जो आप यहाँ से इसे ओके कर सकते हैं। और मैंने यहाँ से कर दिया और फिर जाता हूँ बाहर आ जाऊँ। फिर आता है हमारा ब्राइटनेस कंट्रोल, इसमें आपको ध्यान से देखिए यहाँ से ऑन कर देना है, उसके बाद ब्राइटनेस लेवल पर बढ़ाकर उसको ब्राइटनेस लेवल इसको बढ़ा देना है। जैसे मैं यहाँ से एकदम पुल कर देता हूँ और यहाँ से करता हूँ ओके, उसके बाद बाहर आ जाना है। उसके बाद गाइस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये है एज लाइटिंग, इसमें एज लाइटिंग में ये होगा कि आपके जब नोटिफिकेशन आएगा, कॉल आएगा, और अगर आप चाहते हो कि हमेशा लाइट जगे तो आपकी स्क्रीन पर हमेशा लाइट जगती रहेगी, अच्छी तरह से चारों ओर घूमती रहेगी। एयर लाइटिंग में हमारा है डिसेबल एलवेज ऑन और ऑन नोटिफिकेशन, में एलवेज ऑन पर क्लिक कर देता हूँ। और इसमें आप गाइज बहुत अलग अलग तरह से यहाँ से कर सकते हैं, मैं यहाँ से करता हूँ और गाइज ये हमारी हो गई है। अब यहाँ और गाइज आप इसमें टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट। अब मैं 30 सेकंड पर ही रहने देता हूँ और यहाँ से जो बाहर उसी कदम मिनिमाइज कर देता हूँ। और अब मैं अपने मोबाइल को लॉक कर देता हूँ, जैसे मैं जैसे ये लॉक की तो देखिए गाइज मेरे स्क्रीन पर अच्छी तरह से, देखिए गाइज ये बहुत अच्छी तरह से काम कर वर्क कर रही है, बहुत देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सुंदर लग रही है। मैं आपको एक बार कैमरे में और दिखा देता हूँ, देखिए गाइज इस तरह से ये काम कर रही है। और गाइज इसमें आप अलग अलग तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं, फोटो को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं और टाइम को भी कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग तरह से। मैं यहाँ से अनलॉक करता हूँ और फिर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर आना है और अपने एयर लाइटिंग फिर से जाना है और यहाँ से कर देते हैं। हम यहाँ से कर दो नंबर पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं और लॉक करते हैं यहाँ से। और गाइज देखिए मैंने दो नंबर पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास आएगी, अलग अलग तरह का आ गया। इसमें अलग अलग तरह से होता है, कुछ अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट दिए गए हैं, कुछ ऐसे हैं कुछ। और गाइज इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग तरह से मिलती है, मैं यहाँ से अनलॉक करता हूँ
और यहाँ से और फिर जाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ। ये अब इस तरह से काम कर रही है, आप देख देख सकते हैं इसमें आप। अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसके बारे में और बता दूंगा। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं है तो गाइज और गाइज इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक आपको जो कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो आप वीडियो को देखने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप अलग अलग तरह से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं गाइज। और इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्ट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।